जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 145वां दिन की व्याख्या आपके समक्ष है। मनन करते हैं हम आज सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 22-23 अध्यायों पर। साथ में है स्तोत्र संघ 103 कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12। 22-23 अध्यायों पर सामुएल के दूसरे ग्रंथ के हम दाऊद के दो स्तोत्र गीत को सुनते हैं। 22वां अध्याय पूरा एक स्तोत्र है जो कि वास्तव में उसके राज्य अधिकार के शुरुआत में उसने प्रभु के सामने प्रस्तुत किया है, जबकि 23वां अध्याय के पहला 7 वचन वो उसने अपने जीवन के अंतिम काल में, माना जाता है कि ये दाऊद का सबसे आखिरी स्तोत्र है। इन दोनों स्तोत्रों को मिलाकर देखेगा तो हमें एक बहुत ही सुंदर मूल्यांकन, यानी अपने जीवन में प्रभु के हाथ किस तरह दाऊद ने महसूस किया, अनुभव किया, उसको अपने राज्य अधिकार के यानी राजा बनने के शुरुआती समय में, राजा बनने के बाद सबसे शुरुआती साल जो है उस समय से और जीवन के अंत तक मृत्यु के करीब आते समय भी किस तरह उसने प्रभु के हाथ का अनुभव अपने जीवन में किया, अपने जीवन की उन्नति में अवनति में किस तरह प्रभु का हाथ उनको संभाला, इसका एक बहुत ही सुंदर प्रेरितिक मूल्यांकन हमारे सामने इन दोनों स्तोत्रों के द्वारा दाऊद रख रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले पहला स्तोत्र 22वां अध्याय का जरा नजर डालें और मनन करें। वास्तव में ये स्तोत्र संख्या 18 जो है और ये जो स्तोत्र है, ये दोनों वास्तव में एक ही है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव केवल है, कुछ फर्क है, नहीं तो ये दोनों एक ही स्तोत्र है। स्तोत्र संख्या 18 और यहां पर सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 22वां अध्याय। इस स्तोत्र को हम शायद कुछ इस तरह बांटकर सीख सकते हैं। पहला 3 वचन जो है वहां पर वो स्वीकार करता है, दाऊद अपने उद्धार के बारे में बताते हैं, प्रभु मेरा उद्धारक है इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं क्योंकि वो मुझे सुरक्षित रखता है। और इसलिए वो प्रभु के बारे में कैसा कहता है, अपने उद्धारक को, मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा उद्धारक, वो मुझे शरण मिलती, वो मेरी ढाल है, शक्तिशाली उद्धार, मेरा गढ़, मेरा आश्रय, मेरा मुक्तिदाता, हिंसा करने वालों से मेरी रक्षा कर दे। इस तरह अनेक शब्द इस्तेमाल करते हुए प्रभु के प्रति उसका आभार वो प्रकट करता है। कम से कम 8 शब्द उसने प्रभु के लिए एक ही बात को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रभु उनके लिए इतना ज्यादा कार्य किया कि वो बोलते बोलते थकता नहीं, प्रकट करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करता है। प्रभु के प्यार और उनके प्रति प्रभु किस तरह व्यवहार किया उसको प्रकट कर रहे हैं। दूसरा भाग 4-20 तक, वचन 4-20 तक, वहां पर दाऊद अपनी विपत्ति का विवरण, अपने संकट का लेखा रेखा हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु किस तरह उनको अपने संकट में साथ दिया, प्रभु को उसने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने सिर झुकाकर उनको सुना और हाथ बढ़ाकर उनकी रक्षा किया, इसलिए अपनी विपत्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। तीसरे भाग में 21-28 तक का वचन जो है वहां पर वो प्रकट करता है, प्रभु का उद्धार मुझे मिला उसका आधार क्या था, प्रभु हमेशा हमारी बात सुनी है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार की है, उसका आधार यानी उद्धार का आधार वो क्या है,
मेरी धार्मिकता, प्रभु मेरी मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप। इसलिए हम बताते हैं कि दाऊद शायद अपने जीवन के यानी राजा बनने की शुरुआती समय में इस स्तोत्र को रचा होगा, कारण उस समय बहुत धार्मिकता का धार्मिकता में जी रहा था। बाद में जाकर शायद उसने कई बार धार्मिकता के रास्ते से भटक गया, लेकिन शुरुआती समय में बहुत ही धार्मिक आचरण कर रहा था, इसलिए शायद उस समय यह स्तोत्र लिखा होगा, अनेक पंडितों का मानना है। और अगला चौथा भाग जो है वो 29 से 46 तक के वचन है। वहां पर वो बताते हैं कि ईश्वरीय सशक्तिकरण किस तरह उसने प्राप्त किया, कि शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल करने के लिए प्रभु ने इसको सामर्थ्य प्रदान किया, इसलिए इसको ईश्वरीय सशक्तिकरण डिवाइन स्ट्रेंथनिंग कह सकता है कि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य प्रदान किया और उसके कारण तेरे बल पर मैं शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूं, मैं अपने ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूं। ये सब सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। वो मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता, मेरी बाहें कांसे का धनुष चढ़ाती है। ये सब प्रभु का कार्य है, इसलिए दिव्य सशक्तिकरण की बात यहां पर बताया गया। और 47 से लेकर 50 तक का वचन जो है, इसलिए ईश्वर की स्तुति है, प्रभु जीवित है, प्रभु की जय, वो जिंदा है, जीवित है, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं, मेरी चट्टान धन्य है, तो मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, विरोधियों पर विजय दिलाता, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं, प्रभु की आराधना। और आखिरी वचन 51 जो है 51, प्रभु राजा को महान विजय दिलाता है क्योंकि वो प्यार करता है, इसलिए वो स्वीकार करता है कि मेरा राज्याधिकार, दाऊद का राज्याधिकार सुरक्षित है प्रभु के हाथ में क्योंकि प्रभु प्यार करता है। इसलिए ये इतने संदेश को एक साथ जोड़कर रखते हुए बहुत सुंदर स्तोत्र गाया है दाऊद ने, हालेलुया। लेकिन इसको जब पढ़ते हैं हमको कुछ आध्यात्मिक संदेश इससे मिलते हैं। अभी हमने जो संदेश बोले इसका वाचिक अर्थ है, टेक्स्चुअल मीनिंग, लेकिन इसमें कुछ और आध्यात्मिक संदेश निकल के आता है जब हम इसको पढ़ते हैं। पहला संदेश यही है कि दाऊद है स्वीकार कर रहे हैं, मेरे जीवन की हर एक जीत वास्तव में प्रभु की जीत है, सारा श्रेय प्रभु को जाता है, इसलिए मुझे अपने में भरोसा रखने के लिए कुछ नहीं, सब प्रभु की है, प्रभु की महिमा, इसलिए मेरी जीत प्रभु की जीत, मैंने जो भी भला कार्य किया उसमें प्रभु का हाथ, इसलिए प्रभु को पूर्ण रूप से महिमा चढ़ाते हैं और प्रभु के कार्य को स्वीकार करते हैं, अपने में कोई श्रेय नहीं रखता, वो अपने लिए कुछ नहीं लेता, सब प्रभु को चढ़ाता है। सुंदर एक संदेश। दूसरी बात जो है, उसके जीवन में जो भी उन्नति हुई, जो भी महिमा प्रभु ने प्रकट किया, जब जब प्रभु ने उनको जीत दिलाया, लोगों के सामने उनको खड़ा किया, उसके पहले जीवन में प्रभु आने दिया, विपत्ति, संकट, तिरस्कार, कई लोगों के द्वारा आक्रमण, ऐसा प्रभु ने होने दिया। इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं, मेरे जीवन का संकट और आशीर्वाद और उन्नति और कृपा, ये सब जुड़ी हुई है दोनों, एक साइड में विपत्ति आती है तब जाकर प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आ जाता था और हमको प्रभु खड़ा कर देता था, मुझे और महिमा दिलाता था। इसलिए ईश्वरीय महिमा मुझ में प्रकट होने के लिए मेरे संकटों को प्रभु इस्तेमाल किया, हालेलुया। इसलिए संकट दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, सारे दुखों में ही प्रभु ने महिमा प्रकट किया, अगर दुख नहीं आया होता तो ईश्वर की महिमा कैसे प्रकट होती। जब जब संकट आया तब ईश्वर जीत दिलाया, तब लोगों के सामने ईश्वर की महिमा हुई दाऊद के द्वारा। इसलिए दाऊद स्वीकार कर रहे, मेरे जीवन का संकट मेरे लिए मृत्यु का कारण नहीं बना, और मेरे जीवन में जो भी विपत्ति संकट आई वो सब ईश्वर के हाथ में आशीर्वाद का माध्यम बन गया, हालेलुया। अगला संदेश इस स्तोत्र से यह है, जब जब प्रभु अपने चुने हुए भक्त को विजय दिलाता है तब तब उनके शत्रुओं को
प्रभु के भक्त जो है उनके शत्रुओं को सब दंड मिला है, यानी किसी का उद्धार तब दूसरे को धिक्कार। हालेलुया, ये हमेशा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए राजा दाऊद को जीत होने के लिए, उस पर प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए अब्जलोम को मरना पड़ा, सेबा को मरना पड़ा, अनेक शत्रु, फिलिस्ती लोग हो, मोआबी लोग हो, इन सभी लोगों को मरना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इससे संदेश यही है, जब भी किसी चुने हुए व्यक्ति को प्रभु जीत दिलाता है, उनके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर दंड आ जाता है। इसलिए एक चेतावनी भी हमारे लिए आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ ना रहे जिससे प्रभु का दंड हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि उनको जीत दिलाते समय हम लोगों को गिरना मरना ना पड़े। हालेलुया, इसलिए गलती से भी चुने हुए व्यक्तियों के विरोध में खड़ा नहीं होना। अरे एक अधिकार ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा दी गई, इसलिए अधिकारियों का जो विरोध करता है, ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, विद्रोही अपने सर पर दंडाज्ञा बुला लेता है। अब हमको समझ में आता है, चुने हुए व्यक्तियों को प्रभु किसी को अधिकार दिया है, उनको प्रभु जीत दिलाएगा। हालेलुया, उनके खिलाफ जाके खड़े रहकर हम लोग विपत्ति को अपने सर पर ना बुला लाए। अगर दुनिया के राजाओं के लिए, चुने हुए लोगों के लिए प्रभु इतना कार्य करता है और उनके विरोधियों को प्रभु नष्ट होने देता है, तो कितनी विपत्ति होगी उन लोगों की जो प्रभु यीशु के विरोध करता है। इस धरती पर जिनको प्रभु ने पूरा अधिकार दिया है, समस्त राजाओं का राजा है, उनके खिलाफ रहने वालों को कितनी बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम उन लोगों को याद करें और उनके लिए ईश्वर की दया मांगे जो प्रभु का विरोध अभी जानबूझकर करते हैं, ईसा मसीहा के विरोध में कार्य करते हैं। हालेलुया, क्योंकि पिता उनको जीत जरूर देगा तो विरोधियों को नष्ट होना पड़ेगा। हालेलुया, और अगला संदेश यही है, प्रभु मेरा उद्धारक है, वो मेरा गढ़ है, वो उसमें मैं सुरक्षित हूं। दाऊद बार बार कहता है, इतने संकट आया, एक के बाद एक विपत्ति, तूफान, आंधी, परेशानी, लोग खिलाफ आए, लेकिन प्रभु हमेशा जीत दिलाता रहा, क्योंकि वो जिनता है, वो साथ देता है। तो हमको अब निराश नहीं होना है, हमको डरना नहीं है, नो फियर, डर नहीं। ये हर एक ईसाई के लिए अपना एक नारा की तरह आपको लगाए रखना चाहिए, अपने माथे पर इसको रखने चाहिए कि मुझे कोई डर नहीं। आपको डरना नहीं, किस लिए डरना है, किससे डरना है, किसी भी चीज से, कोई भी विपत्ति से हमको कोई डरना नहीं, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और आखिरी संदेश यही है, इस पूरे स्तोत्र में दाऊद से बढ़कर और कोई प्रकट हो जाता है। हालेलुया, वास्तव में दाऊद के बारे में दाऊद लिखे हैं, लेकिन उससे बढ़कर कोई इस पे खड़े होते हुए नजर आता है। ओहे प्रभु ईसा मसीहा दाऊद का पुत्र, स्वयं ईश्वर का पुत्र है। इसलिए कोई कहता था, इसमें हर एक शब्द और विशेषकर कुछ शब्द ऐसा है जो दाऊद से बढ़कर प्रभु यीशु में सार्थक बैठता है, सही बैठता है, सही उतरता है। हालेलुया, इसलिए तो संत पौलुस जब रोमियों को लिखे पत्र में अध्याय 15 वचन 9 में उसने ईसा मसीहा के बारे में, यानी मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हो रही थी, और उस भविष्यवाणी में यहाँ का एक शब्द लेकर यूं ही इस्तेमाल किया, कोई शक नहीं था उनको यहाँ से वचन लेकर जाने के लिए, क्योंकि शमूएल के इस दूसरे ग्रंथ के 22वां अध्याय का वचन 50 को वहां पर संत पौलुस इस्तेमाल करते हैं, 15वां अध्याय के वचन 9 में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ये वचन है, प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं तेरे नाम का स्तुतिगान करता हूं, यानी अन्य लोगों के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में प्रभु किस तरह कार्य करेगा उसके लिए ये वचन को वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे स्तोत्र में प्रभु छिपा हुआ है, ईसा मसीहा।
वास्तव में दाऊद के राज्याधिकार से बढ़कर इसमें और एक राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य का अधिकार, मसीह के बारे में लिखा गया है कि मसीह के शत्रुओं को पिता तितर बितर करेगा, यानी ईसा मसीहा का अधिकार सुरक्षित है, सुनिश्चित है और हमेशा बना रहता है। ईश्वर के अधिकार के खिलाफ प्रभु ईसा मसीह में ये पिता ने जो अधिकार रखा है और ईश्वर के राज्य को धरती पर लाए हैं, उसके खिलाफ जितने भी शत्रु खड़े हैं उन सभी लोगों को तितर बितर होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा और पराजित होना पड़ेगा। ईसा मसीहा का राज्य सुनिश्चित है और सुरक्षित है, सुस्थिर है धरती पर। हालेलुया। इसलिए जो उनके साथ रहते हैं, उनके अधिकार से जुड़े रहते हैं, उनके अधिकार के तले रहते हैं, उन सभी लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई शत्रु छू नहीं पाएगी। इसलिए ईश्वर के ईसा मसीहा के राज्य का, मतलब उनके शासन जो है, उनके शासन को हमें स्वीकार करना चाहिए और उनके अधिकार को मानना चाहिए। जीवन के हर एक पल यीशु के अधिकार को हमें ऊंचा, हमारे ऊपर उठाए रखनी चाहिए। कैसे? विनम्रता से यह स्वीकार करना है, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, प्रभु विजय दिलाता है, प्रभु राजा है इस धरती के ऊपर, हमेशा परेशानियों के ऊपर, आ जाने वाले सारे संकटों के ऊपर उसका अधिकार है, प्रभु यीशु का अधिकार है। इसको हमें स्वीकार करना है, घोषणा करना है। इस तरह प्रभु की जय हमारे जीवन में हमेशा हमें प्रकट करनी है। हल्लेलुया। सुंदर संदेश दाऊद के इस स्तोत्र के द्वारा हमारे सामने आए हैं। हालेलुया। 23वां अध्याय की शुरुआती वचन में, पहला वचन में ही वहां पर जो भी शीर्षक और जो भी विवरण है, उससे दाऊद अपने जीवन का पूरा एक विवरण एक शब्द में कैप्सूल की तरह हमारे सामने रखा। यिशै के पुत्र दाऊद की वाणी। यिशै, दाऊद अपने पिता को याद कर रहे हैं। किसान था, एक मामूली सामान्य आदमी था उसका बेटा, इसलिए वो स्वीकार करता है अपने 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 विनम्र शुरुआत को, सामान्य शुरुआत को प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद अति प्रतिष्ठित व्यक्ति की दाऊद स्वीकार कर रहे हैं, मैं कमजोर सामान्य आदमी था, गुरु चराता था, किस तरह प्रभु ने मुझे प्रतिष्ठित किया, लोगों के सामने खड़ा किया, इसलिए वो स्वीकार कर रहे, प्रभु ने मुझे चुना और आगे रखा, प्रतिष्ठा प्रदान किया, आदर सम्मान लोगों से मुझे दिलाया, याकूब के ईश्वर के अभिषिक्त की वो स्वीकार कर रहे, मेरे ऊपर एक विशेष अभिषेक प्रभु ने रखा कि एक सशक्तिकरण या प्रभु के एक मुहर हमारे ऊपर लगी हुई है। इसराइल के मधुर गायक ही इस शब्द के द्वारा दाऊद याद कर रहे हैं प्रभु के साथ उनकी एक अंदरूनी मिलन का, कि आंतरिक जीवन प्रभु में, इसलिए तो वचन गा पाया और स्तोत्र लिख पाया, क्योंकि प्रभु के साथ एक रिश्ता थी। एक मधुर गायक मतलब एक प्यार भरा रिश्ता प्रभु के साथ जो उनके शब्दों में प्रकट होता था। हालेलुया। और 2 से 7 तक का वचन एक छोटा सा स्तोत्र है, उसके जीवन का आखिरी स्तोत्र है और जीवन के अंतिम काल में प्रभु के प्रति और अपने बारे में जो भी विचार था उसको एक संक्षिप्त में छोटे शब्दों में उसने प्रकट किया। जॉन ट्राप नामक एक ईश शास्त्री, वो बताता है छोटे से स्तोत्र में दाऊद जो हमारे सामने रख रहे हैं उसके एक प्रज्ञा का प्रकटन है, दाऊद में ईश्वरीय प्रज्ञा का प्रकटन है। छोटे से शब्द है लेकिन बहुत बड़े कार्य इसमें सम्मिलित कर रहा है। वो लिख रहे प्रभु के अपने जीवन में प्रभु के कार्यों की घोषणा, जीवन में प्रभु के महान कार्यों की घोषणा और अपनी कमजोरियों की स्वीकृति और अपने विश्वास की घोषणा और प्रभु के विधान पर उनका भरोसा और दुष्ट विधर्मी लोगों पर दंड की घोषणा, ये सब कुछ इन 5-6 शब्दों में उसने सम्मिलित किया है। इस तरह
योहन ट्राप, जॉन ट्राप ने इस बात को इस तरह लिखा है। और छठवां वचन जो है बहुत सुंदर, छठवां और सातवां वचन एक चेतावनी है लेकिन सुंदर रीति से लिखी है। सभी दुष्ट कांटों की तरह फेंके जाते, कांटे किसी काम का नहीं, कांटे फेंक दिया जाता है। सभी दुष्ट कांटों की तरह फेंके जाते हैं, कोई उन्हें खुले हाथ से नहीं बटोरता। वे लोहे के हथियार से या भाले के डंडे से बटोरे जाते, आग में जलकर भस्म हो जाते। इसलिए दुष्टता को, पाप को अंदर रखने से हमारे साथ लोहे का हथियार पड़ेगा, भाले के डंडे पड़ेंगे, आग हमारे ऊपर आएंगे। इसको एक सुंदर रीति से, एक चेतावनी को बहुत ही सुंदर शब्दों में बांधकर हमारे सामने वो रख रहे हैं। हालेलुया। 23वां अध्याय के वचन 8 से हम दाऊद के वीर योद्धाओं के विवरण पढ़ते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है इसमें। देखिए, ये वीर योद्धाओं के बिना दाऊद इतना ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, और दाऊद के बिना ये वीर योद्धाओं का कुछ नाम ही नहीं होता। ये वीर योद्धाएं जिनका नाम यहां पर लिखे गए हैं सुसमाचार में, यानी ईश्वर के ग्रंथ में, ईश्वर के वचन में उसका नाम आया, इन लोग सब जन्म से यानी वीर योद्धा बनकर पैदा हुए लोग नहीं थे। वास्तव में इनमें ज्यादातर लोग कहां पर दाऊद से मिला, जब स्वयं दाऊद नियम विरोधी विद्रोही माना जाता था। राजा साऊल उसके पीछे पड़े हुए थे, उस समय यहां वहां भागा भागी कर रहा था। उस समय सामूल के पहले ग्रंथ के 22वां अध्याय के वचन 1 में हम पढ़ते, वहां से चलकर दाऊद अदुल्लाम की गुफा पहुंचा, तो छिपकर बैठा है उस समय। वचन 2, इसके बाद जो लोग संकट ग्रस्त कर्जदार या विद्रोही थे वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए। दाऊद उनका नेता बन गया, उसके साथ लगभग 400 आदमी हो गए। हालेलुया। कौन कौन थे? संकटग्रस्त कर्जदार विद्रोही लोग दाऊद के पास आ गया, सही आदमी के पास आ गया बोलकर, और बाद में उन लोग दाऊद को साथ दिया, कभी नहीं छोड़ा। इनके सुख में, दुख में, तकलीफ में उन्होंने साथ दिया। दाऊद के ऊपर प्रभु का हाथ था, प्रभु का आशीर्वाद था, इसलिए दाऊद के साथियों पर वो कृपा मंडरा है। अगर दाऊद के साथ नहीं आए होते, इन लोग सब बड़े डाकू होकर कहीं ना कहीं जाकर मर जाते, उनका नाम कभी मतलब लोगों के सामने नहीं आता, कभी वे बड़े और वीर नहीं बनते। हालेलुया। उनकी महिमा, उनकी महानता दाऊद की महानता है। दाऊद के साथ रहने के कारण वे महान हैं। इसलिए आप किसके साथ रहते हैं, आप किसके साथ अपनी लगाव रखते हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में आशीर्वाद आ जाते हैं, आपकी संगति। इसलिए अच्छी संगति आपको मिल जाने से आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के पास है, आप उनसे जुड़े रहने जाएंगे तो उनके आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये संकटग्रस्त कर्जदार लोग सब बड़े योद्धा बन गए। हालेलुया। दाऊद उनमें अनेक लोगों को, यानी अपने साथियों को हृदय में ले रखते थे, उनके प्रति उनका बहुत प्यार था। केवल एक सैनिक के रूप में नहीं देखता था, साथी की तरह रखता था दाऊद के ऐसा। इसलिए हम पर एक विवरण जो है, एक बार दाऊद बैठे बैठे ऐसा उनके बचपन की याद आई। बचपन में कहाँ रहते थे? हम जानते हैं बैतलहम में, क्योंकि उसका नाम, उसका जगह बैतलहम है, बैतलहम में ही वो बड़ा हुआ दाऊद। इसलिए बैतलहम की एक कुआ थी, वो कुआ का पानी बचपन से पिया करता था, इसलिए जाके अच्छा लगा, मतलब उसका टेस्ट कुछ स्पेशल था। हालेलुया। इसलिए बैठे बैठे एक बार बोल दिया कि वहां का बैतलहम के फाटक के वाले कुएं से थोड़ा पानी पीने का मन करता है। उसने ना किसी को बोला तुम जाओ पानी लेके आओ, कुछ नहीं बोला, ऐसे ही सोचा कि पानी पीने के बारे में। तब तीन लोग इनमें साथी लोग अपना जान दाव पर रखते हुए, कारण क्या है, उस समय वचन में लिखा है फिलिस्तियों की एक टोली बैतलहम में पड़ी हुई थी, वचन 14 में लिखा है। उसके बावजूद उन लोग गया, तीनों वीर योद्धा फिलिस्तियों के पड़ाव को पार कर बैतलहम के फाटक वाले कुएं से पानी भर कर दाऊद के पास आए। ये पानी देखकर दाऊद भावुक हो गया और वो पानी नहीं पिया, पी नहीं सका, कारण मेरे लिए इतना दुख कष्ट उठाकर अपना जान दाव पर रखते हो। और वो कैसा बोलता है, और वो बोल रहे हैं प्रभु ना करे मैं ऐसा करूं
क्या मैं इन आदमियों का रक्त पीऊं जो अपने प्राण हथेली पर रखकर वहांगे? इसलिए उसने पानी पीना अस्वीकार किया। और क्या किया? उसने उस पानी को प्रभु के सामने उठेल दिया, यानी एक एक बलिदान के रूप में प्रभु को अर्पित किया वो पानी, क्योंकि इसमें इन लोगों का प्यार है, उनका खून है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर लोग अपना जान देने के लिए तैयार थे दाऊद के लिए, इसलिए प्रभु ने उनको सब महान बनाया। बहुत सुंदर शिक्षा है, हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 103 पर मनन करें आज। यह स्तोत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र, दाऊद का स्तोत्र है। माना जाता है जीवन के अंतिम काल में ही इस स्तोत्र को भी उसने रचना की है। पूरे स्तोत्र ग्रंथ में 150 स्तोत्र है, बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ में। उन 150 स्तोत्रों में सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण स्तुति स्तोत्र यानी प्रेज सॉन्ग, स्तुति काव्य माना जाता है, यानी स्तुति आराधना के लिए उपयुक्त सबसे सुंदर स्तोत्र माना जाता है 103। हालेलुया। तीन भाग में अच्छा से समझ सकता है। पहला भाग 1-5 तक वचन। 1-5 तक वचन में दाऊद एक घोषणा कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। वो घोषणा किया, व्यक्तिगत फैसला है, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करेगी। वो अपने को समझाता है, मेरी आत्मा, एक भी वरदान प्रभु का तुमको नहीं भूलना, तुमको उसकी स्तुति करना, उसका नाम लेकर आराधना करना, ये तुम्हारा जीवन का महत्वपूर्ण कार्य। इसलिए लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, अपने फैसला रख रहे हैं, मैं उसकी स्तुति करूंगा, कारण उसका वरदान, उसने महान कार्य किया, करता है। मुख्य रूप से प्रकट कर रहे 6 वरदान के बारे में बताता है। ये वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता, अपने को बोल रहे, मेरी आत्मा तेरे सारे अपराधों क्षमा करता है, इसलिए स्तुति करना। फिर सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। तीसरी बात, सर्वनाश से तुमको बचाता है। चौथी बात, दया और अनुकंपा से तुमको संभालता है। और पांचवी बात, तुझे सुख शांति प्रदान करता। छठवीं बात, गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता, इसलिए आराधना करना, इसलिए अपने को बोल रहे, हालेलुया। दूसरा भाग वचन 6-19 तक, ये दूसरा भाग है। उसमें वो ईश्वर का स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, जितना उनको पवित्र आत्मा ने समझाया उतना प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु के स्वभाव को पूर्णतः कौन वर्णन कर सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन दाऊद को जितनी कृपा मिली, उसकी प्राप्त कृपा के अनुसार प्रभु के स्वभाव को प्रकट करने का कोशिश कर रहे हैं। बताता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण, सहनशील, अत्यंत प्रेममय, सदा दोष नहीं देता, चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। इस तरह प्रभु का वर्णन है, प्रभु के स्वभाव का वर्णन। अंतिम भाग 20-22 तक का वचन, वो स्तुति का पुकार है। प्रभु के स्वभाव का वर्णन करने के बाद पहले मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, कारण क्या है ये सब बताया, और बाद में प्रभु के स्वभाव को प्रस्तुत किया, प्रकट किया। उसके बाद सभी लोगों को, समस्त सृष्टि को, प्रभु के सारे कृति को, प्रभु के द्वारा बनाए गए हरेक चीज को पुकार रहे, स्तुति करो, हालेलुया। पहले अपनी फैसला तो प्रकट किया, अब सभी लोगों को वो बुला रहे, सबको, आप सबों को प्रभु की स्तुति करना चाहिए। कारण क्या है? अभी तो अभी कोई शक नहीं है। कारण क्या है? सब कुछ अच्छा से प्रकट किया, प्रभु क्या क्या मेरे लिए किया, मेरे लिए करता है, और प्रभु का स्वभाव क्या है, सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार वो करेगा। इसलिए आप सबों को चाहिए कि प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। बहुत सुंदर स्तोत्र है। इसका हेडिंग है, हम हिंदी बाइबल में ईश्वर प्रेम है, मतलब ईश्वर का स्वभाव प्यार और दया है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 12 पर मनन करते हुए कुछ संदेश ग्रहण करेंगे। मुख्य रूप से एक ही संदेश, वो है कलीसिया में हम सभी लोग एक है, प्रभु ने हमें एक बनाया। भले ही हम अलग अलग जगह के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम सभी लोग प्रभु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया में हम एक है यहाँ पर, इसलिए एकता बनाए रखनी चाहिए, फूट नहीं होने देना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए दो कार्य वो बताते हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में। पवित्र आत्मा वरदान देते हैं, किसी को ये वरदान, दूसरे को दूसरा वरदान।
उदाहरण के लिए, किसी को आत्मा के ज्ञान का शब्द मिलता है, प्रज्ञा के शब्द मिलता है, किसी को आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है, किसी को रोगियों को चंगा करने का वरदान मिलता है, किसी को चमत्कार करने का वरदान मिलता है, किसी को आत्माओं की परख करने का वरदान मिलता है, किसी को भाषा बोलने का वरदान मिलता है। एक ही आत्मा यह सब कुछ करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा ये वरदान क्यों देता है? कि हम इसके द्वारा ईश्वर की महिमा करें। इसलिए वरदान जब पवित्र आत्मा देता है, एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की महिमा। इसलिए किसी को वरदान मिला वो अपनी महिमा के लिए ना जाए, और किसी को वरदान है इसलिए उस पर हम लोग दोष ना लगाए यार, ना जलन करे, ईर्ष्या ना करे कि वो उसके लिए नहीं है, बल्कि उसको दिया हुआ वरदान पवित्र आत्मा कलीसिया के हित के लिए, प्रभु के कार्य में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। इसलिए हमें जलन, ईर्ष्या, फूट ये सब नहीं होनी चाहिए कि उसको ये मिला है, उसको ये मिला है सोचकर। हालेलुया। अब दूसरे भाग में शरीर के बारे में बताते हैं। एक ही शरीर के अनेक अंग, मनुष्य का शरीर एक है, यदि भी उसके बहुत से अंग होते हैं, सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि हम पर यूनानी होगी, यहूदी होंगे, दास होंगे, स्वतंत्र होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, वो घर का होगा, ये घर का होगा, वो देश से आया, ये देश से आया, वो भाषा बोलता है कुछ, ये भाषा बोलता है, फिर भी हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। क्या शरीर के अंग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं? नहीं है, क्योंकि एक का दर्द दूसरे का दर्द है। एक उंगली पर दर्द लगता है, बाकी उंगलियां हंसेगा नहीं, क्योंकि उसका दर्द हमारा पूरा दर्द है, हम एक है। इसलिए संत पौलुस बताते हैं वचन 27, इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है, आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। इसलिए उसके पहले बोले 26वां वचन, यदि एक अंग को पीड़ा होती है उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसलिए दूसरे को दर्द में देखकर आपको दर्द नहीं लगता, जरूर कुछ गड़बड़ है मुझ में। हालेलुया। किसी को आनंद, किसी के आनंद को देखते हुए किसी को कोई महिमा मिलता है, कोई अच्छा कार्य करता है कलीसिया में, उसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता है, जरूर मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। मुझ में ईश्वरीय कृपा नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा होता है। क्योंकि शरीर के हरेक अंग जब जुड़े रहते हैं, तब एक का दर्द दूसरे का दर्द है, एक का आदर दूसरे का सम्मान है। इसी तरह कलीसिया में भी होनी चाहिए। यहां पर हम किसी को ये कार्य करते हुए भिन्न भिन्न अंगों को, भिन्न भिन्न लोगों को कलीसिया में प्रभु ने नियुक्त किया है, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, किसी को शिक्षक बनाया, किसी को चमत्कार करने वाला बनाया, किसी को चंगा करने वाला बनाया। इसलिए उनको देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, ना दोष लगाना चाहिए, उनको देखकर मुझे भी ऐसा बनना चाहिए ये नहीं बोलना है। क्योंकि क्या सब लोग शिक्षक है? क्या सब लोग चमत्कार करने वाले? क्या सब लोग स्वस्थ करने वाले? तो कैसा होगा? क्या शरीर में केवल उंगली केवल होता है, या शरीर में केवल हाथ होता है, या केवल पैर होता है? क्या बाकी अंग को भी होना नहीं चाहिए? इसलिए एक एक जन को, हम में एक एक जन को अपना कार्य प्रभु सौंपा है कलीसिया में। कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं, हम सब महत्वपूर्ण है प्रभु के कलीसिया में, हम सब चुने हुए लोग हैं। इसलिए हमें फूट होने नहीं देना है, और हम सभी लोग अनेक होने के बावजूद, अलग होने के बावजूद हम एक है, ये भावना मन में, ये अवबोध हमारे मन में होनी चाहिए, ये दृढ़ धारणा हमारे अंतरतम में रहनी चाहिए, जिससे हमें दूसरों पर दोष नहीं लगानी चाहिए। दूसरों के दुख हमारा दुख है, उनका सम्मान हमारा सम्मान और हमारी खुशी है। हालेलुया। आध्यात्मिक वरदानों से प्रभु हम सभी लोगों को भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन को पढ़ते जाना, बीच में रोकना नहीं है, भले ही व्याख्या थोड़ा सा समय लगे आपके पास पहुंचने के लिए, फिर भी आप जरूर वचन पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहायता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।